नमस्कार, स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास रहने वाली है समास, यानी कि हिंदी के समास से प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम समास के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम यानी कि टारगेट व्यापम, यानी कि व्यापम पीएससी जितने भी एग्जाम होता है उसमें हिंदी से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं समास विग्रह से, जो आपके आने वाले एग्जाम में 10 से 15 नंबर हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें समास विग्रह की क्लास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास विग्रह का, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले समास के बारे में प्रश्न उत्तर देखने से पहले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले, मैं आपको तथ्य के बारे में बताना चाहूँगा, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समास विग्रह के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे समास विग्रह होता क्या है। तो समास विग्रह का सबसे पहले हम डेफिनेशन आपको बताएंगे, जिसमें समास विग्रह है दो या दो से अधिक पद या दो से अधिक शब्दों से मिलने से यह समास विग्रह होता है। समास विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना, यानी कि विलग करना। ठीक है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी कि पुरुषोत्तम, ये आपका हो जाएगा समास विग्रह। यानी कि देखिए, यहाँ पर जो समास विग्रह होता है पुरुषोत्तम में, पुरुष धन उत्तम पुरुषोत्तम कहलाएगा। उसी प्रकार समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्द या फिर दो या दो से अधिक पद से मिलने से समास बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं समास के बारे में। जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ये आपके व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, नोट करते हुए चलिए। समास का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है संक्षेप, यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया 2019 में। उसी प्रकार आपका है समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है, आपका व्यास होता है। उसी प्रकार समास दो या दो से अधिक पद या अधिक विभक्ति से लोप का होता है, यानी कि समास जो है विभक्ति का लोप होता है। उसी प्रकार जहाँ समास है वहाँ संधि है, यानी कि आपके पास जहाँ जहाँ समास होगा वहाँ आपके पास संधि अवश्य ही होगा। तो चलिए हम बात करते हैं समास के प्रकार के बारे में। तो समास के प्रकार होता है आपका 6 प्रकार के होते हैं, या 6 भेद भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा समास के 6 प्रकार, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, उसी प्रकार द्विगी समास, बहुव्रीही समास, द्वंद्व समास। ये जो 6 समास है आपका समास कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ये जो 6 प्रकार के समास हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पदों के प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का होता है। तो चलिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि समास के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास, उसके बारे में बात करते हैं तत्पुरुष समास, उसी प्रकार आपका तीसरा है द्वंद्व समास, उसी प्रकार चौथा है बहुव्रीही समास। ये पदों के प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के समास होते हैं। इसकी जो मुख्य बातें हैं, चलिए सबसे पहले जो मुख्य बातें के बारे में बात करते हैं, तो अव्ययी भाव समास आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। जो अव्ययी भाव समास होता है वो प्रथम प्रधान होता है, यानी कि पहला पद प्रधान होता है। उसी प्रकार तत्पुरुष समास पश्च पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे तत्पुरुष समास होता है उसमें अव्ययी भाव समास भी मिला जाए, जैसे मन माना, मन से माना, ये आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में बहुत सारे कारक वगैरह होते हैं, मैं आपको डिटेल आपको बताऊंगा, है ना। तो चलिए, उसी प्रकार आपका होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। कौन कौन सी होती है, दोनों पद, यानी कि दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों पद प्रधान होती है। मैं ये जो चारों आप क्या बता रहा हूँ वो आपके व्यापम में एग्जाम में पूछा गया है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, है ना, उसमें एग्जाम में व्यापम में हिंदी से समास से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। उसी प्रकार बहुव्रीही समास, ठीक है, कंफ्यूजन ना होइएगा, बहुव्रीही समास यानी कि यह सा जो समास है आपका अन्य पदों की विशेषताएं बताती है, अन्य पदों का ये प्रधानता होती है। ये हमने चारों प्रधानता के बारे में देख लिया। उसी प्रकार आइए इसकी ट्रिक के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो कैसे पहचानेंगे कि समास ये कौन सा समास है, ये कौन से समास से बनेगा,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं आविर्भाव समास के बारे में, जो आपको यह दर्शाता है, इसको जानने में यह मदद मिलेगी आपको कि यह किस प्रकार का टाइप से रहता है, किस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं। तो हम बात करते हैं अव्ययी भाव के बारे में, अव्ययी भाव समास के बारे में, जिसमें यह ट्रिक आपके सामने है। इसको याद कर लीजिएगा, कहीं भी आप चुकेंगे नहीं। इसको अवश्य याद कर लीजिएगा, कहीं भी आप चुकेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव के बारे में, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास कैसे होता है, जानने में यह ट्रिक आपको अवश्य साबित होगा, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास को जानने का यह ट्रिक है, यथा आनि भर प्रति बे। क्या होगा? यथा आनि भर प्रति बे। इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में आएगा, भूलोगे नहीं, है ना। उसी प्रकार तत्पुरुष समास में पश्च पद प्रधानता होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें द्वंद्व समास, यानी कि दोनों पदों की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास आपका अन्य पदों की प्रधानता होती है। तो चलिए हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास वन, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हिंदी समास विग्रह से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे पीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी अदर एग्जाम होते हैं वहां पर आपके हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए समास विग्रह से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के तौर पर आप लोग जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के रूप में। समास पर आधारित संबंधित प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपके सी जी व्यापम पीएससी में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, पटवारी, सहकारिता विभाग, फूड इंस्पेक्टर, जितने भी व्यापम पीएससी में एग्जाम होता है, हिंदी से 10 से 15 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहली बार आए हमारे चैनल पर तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, टेस्ट सीरीज के रूप में क्लास अटेंड कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज समास विग्रह से प्रश्न देखेंगे। दो या अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है। मान लीजिएगा क्वेश्चन में एग्जाम में इस प्रकार पूछ लिया जाए कि दो या दो से अधिक शब्द या फिर दो या दो से अधिक पद से मिलकर क्या होता है। आंसर ए संधि, आंसर बी समास, आंसर सी अभ्यय, आंसर डी छंद। तो इसमें देखिए, दो या दो से अधिक शब्द बोला जाए या फिर पद बोला जाए, इसको हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, आंसर ए होगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, बिल्कुल टेस्ट चल रहा है। समासिक विग्रह कप में कंटिन्यू क्लास कराया था, जिसमें आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। तो ऐसा कौन सा पद है जो आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। तो ग्राहक ये नहीं है, आचार कुशल ये भी नहीं है, प्रतिदिन ये है और कुमारी ये भी नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन, हर दिन। ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास को याद करने का ट्रिक मैं आपको बताया हूँ, तो कैसे, देखिए अव्ययी भाव याद करने का ट्रिक है आपका यथा आनि भर प्रति बे, भर प्रति बे। तो आपके यहाँ पर प्र दिख रहा है, ये आपको प्र आनि, आनि का मतलब आचार कुशल, लेकिन ये कुशल तो बन ही नहीं रहे ना। प्रति यहाँ पर आपके कौन सा है, प्रति। तो आपका कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं, ये आंसर करेक्ट है, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। क्या पूछा गया, कर्मधारय को कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस समास में उत्तर पद यानी कि पहला पद, जिस समास का पहला पद आपका प्रधान होता है, पूर्व पद यानी कि उत्तर पद में विशेषण विशेष्य से संबंधित होता है, उसे हम कौन से समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय का मतलब होता है कर्मों में धारण करने वाला। जैसे आपका कर्मधारय समास में विशेषण, ठीक है,
जो आपका विशेषण है, याद रखना जो आपका विशेषण है, और विशेष्य, विशेषण का मतलब जैसे नील कमल, नील कमल क्या है, कर्मधारा है। कैसे, देखिए नील कमल ये कौन सा समास है, तो आप बताएंगे नील कमल जो है कर्मधारा समास है, यानी कि नील है जिसका कमल, नील है जिसका कमल, नील कमल, ठीक है। अब जैसे चतुरानन पूछ लिया जाए, चतुरानन, तो चतुरानन कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारा नहीं होगा, चतुरानन का मतलब है चारों भुजाओं को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु, ये आपको कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीही समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, याद रखना जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, यानी कि अन्य पदों की विशेषताएँ बताते हैं, वह कौन सा समास कहलाता है, बहुव्रीही समास कहलाता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। कैसे, देखिए मतलब जिस समास के दोनों पद, मान लीजिए दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद क्या होता है, अप्रधान हो, यानी कि अन्य विशेषताएं बताता हो, दोनों पद को क्या, अन्य की प्रकट करता हो, उसको बहुव्रीही समास कहते हैं। देखिए द्वंद्व समास का मतलब होता है दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। जैसे अब द्वंद्व समास होता क्या है, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास मतलब भाई और बहन, तो भाई और बहन कौन सा समास है, भाई और ये बहन जो आपका है द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को कैसे पहचाने कि पश्च पद प्रधान होता है, पश्च पद प्रधान होता है, याद रखना। मैं जो भी टॉपिक लेकर आया हूँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल करेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जितेंद्रीय में कौन सा समास है, जितेंद्रीय द्वंद समास, बहुव्रीही समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने स्टार्ट कीजिएगा जितने लोगों को आंसर मालूम है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, ना कि ये तो बहुव्रीही समास है, ना कि तत्पुरुष, ना कि कर्म, ऐसा नहीं करना है ना, फटाफट कमेंट करने स्टार्ट कीजिए। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, जितेंद्रिय में बहुव्रीही समास होगा ना, जितेंद्रिय जीतने वाला इंद्र, जितेंद्रिय, ठीक, कर्म तो आएगा नहीं, कहाँ से कर्म आएगा। देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर, देव है जिसका असुर, देव है जिसका असुर, देवा और सुर, देव और असुर, इसका समास विग्रह बनेगा, देव और असुर, कौन सा समास है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, इसमें समास के विग्रह में कर दिया हूँ। देवासुर में कौन सा समास है, बहुव्रीही, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास, देव और असुर, ये और लगा हुआ है, जब भी कभी भी आपका और या फिर या लगेगा वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए, देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर में, देशांतर में देश है जिसका अंतर, देशांतर तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, देश है जिसका अंतर। अब तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान का से अधिकरण में, ये सभी इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनानाथ में कौन सा समास है, चलिए बताइए दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनों का नाथ, दीनों का नाथ, दीनानाथ, बहुव्रीही समास, ए सॉरी एक मिनट, कर्मधारय, दीनों का समास यानी दीन है जिसका नाथ, दीनों है जिसका नाथ, दीनानाथ कर्मधारय होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। मुख दर्शन में कौन सा समास, मुख दर्शन, मुख में दर्शन, मुख के लिए दर्शन, कौन सा हो जाएगा, मुख में दर्शन या मुख के लिए दर्शन, आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसको छोड़ दो ना, ये कल क्लासेस में देखे थे। कौन सा शब्द बहुव्रीही समास का सही उदाहरण है, तो ये आपका पंचानन, क्योंकि जो बहुव्रीही है पंचानन यानी कि मतलब पाँचों में जो आनंद है, पंचानन। त्रिभुवन कौन सा समास है, त्रिभुवन आपका द्विगु समास होगा, द्विगु यानी कि ये आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक, द्विगु कौन सा समास है, संख्यावाचक, है ना। चौराहा में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए, चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है, बहुव्रीही समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी या द्विगु, जल्दी से बताइए, चौराहा, चौराहा, चारों राहों का समाहारा, चौराहा, बहुव्रीही समास। द्विगु कैसे होगा, चौराहा पूछा गया, संख्या आएगा, संख्यावाचक है, द्विगु और बहुव्रीही दोनों में से एक होगा, ये दोनों तो आएगा नहीं, चौराहा यानी कि चार राहों वाला समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, जो समूह के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये आपका होगा बहुव्रीही समास।
तो उसको छोड़कर चार दिया गया है तो आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, दस मुख में कौन से समास है? दस मुख, दस दस है जिसका मुख कौन है? रावण। कौन है? रावण। दस है जिसका मुख कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट कर बताइए। कर्मधारय बहुव्रीहि तत्पुरुष द्विगु। द्विगु नहीं होगा ना, संख्यावाचक नहीं होगा। दस पूछा गया मतलब संख्या थोड़ी ना होगा। दस मुख यानी दस मुख वाला कौन है? आपका रावण। तो द्विगु तो होगा नहीं, तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारा भी नहीं होगा, मतलब बहुव्रीहि समास होगा। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्यवी, कर्मधारय या द्वंद्व? सुपुरुष में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सुपुरुष में कौन सा समास है? 30 सेकंड का समय है, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। जितने भी हमारे यहाँ क्लास अटेंड किए हैं या जो लोग पहली बार आए हैं, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि सुपुरुष में कौन सा समास है। कमेंट करना स्टार्ट करें, फटाफट कीजिएगा ना, टाइम नहीं करना है यहाँ पर, बहुत सारे क्लासेस लेना है मुझे अभी। और बिल्कुल फ्री है ना डेमो क्लास? कहाँ का डेमो क्लास? अभी आपके पास लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है 24 जून को होने वाला है, और आप डेमो क्लास बोल रहे हो? बेवकूफ़, क्लास ख़त्म होने वाला है इधर, आप तो डेमो क्लास बोल रहा है, पागल हो गया है क्या? लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है 24 जून को होने वाला है, कितना दिन बचा है आपके पास? 17 दिन बचा हुआ है आपके पास, क्या फिर रिवाइज कीजिए? यहाँ पर कोई क्लास लेने वाला नहीं है, सिर्फ रिवाइज करो। अगर यहाँ आपको रिवाइज नहीं करना है तो स्किप कर दो वीडियो को, ठीक है? जाओ बुक पढ़ो, या बुक नोट्स वगैरह बनाया होगा ना उसको जाकर पढ़ो, एक बार रिवाइज करो। यहाँ आपको तैयारी नहीं करना है ना, बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पागल मत बनो यहाँ पर। क्या क्या बातें करते हैं, कुछ भी, यहाँ पर रिवाइज ही क्लास चल रही है, यहाँ फालतू की बात करने आ जाते हो, यहाँ फिर स्किप करो और निकलो यहाँ से। इसका आ जाएगा आपका कर्मधारय, सुपुरुष कर्मधारय होगा। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? चलिए बताइए, ये एग्जाम में आता है व्यापम में, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? देखो कभी भी विशेषण पूछ लिया जाए, जैसे कि नीलकमल, नीलकमल क्या है? एक विशेषण और नीलकमल, ये आपका हो जाएगा नीलकमल कौन सा है? कर्मधारय समास है, ठीक है? नीलकमल कर्मधारय समास। कैसे? नील है जिसका कमल, किसके लिए? देखिए एक बार, नील कमल के लिए, नील कमल, ये आपको उदाहरण में आपको बता रहा हूँ, नील कमल, ठीक है? जैसे कि नील कमल मान लीजिएगा, नीला है जिसका कमल, नील कमल किसके बारे में बता रहे हैं? विशेषण किसका है? नील क्या है? एक विशेषण है, कमल क्या है? एक विशेष्य है। नील कमल, नील है जिसका कमल किसके बारे में बता रहा है? एक फूल के बारे में बता रहा है कि नीला है इसका कलर। तो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष्य, ठीक है? निम्नलिखित में से एक शब्द द्विगु समास है, उसका शब्द का चयन करना। कौन? द्विगु का मतलब होता है हमेशा संख्यावाचक, याद रखना, संख्यावाचक विशेषण। याद करने का आसान तरीका है द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण। कभी भी जैसे द्विगुण, त्रिगुण, या फिर समाहारा, चार वटों का समाहारा, या पाँचान, पंचानन, षष्ठानन, ये सब क्या है? द्विगु समास है, संख्यावाचक। तो यहाँ पर आजीवन क्या है? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा फटाफट ना, आगे बढ़ेंगे फिर। आजीवन कौन सा समास है? आजीवन आपका अव्यवी भाव समास है, ठीक है? कौन सा है? अव्यवी भाव समास। भूदान कौन सा है? भूदान, भू कर, भू के लिए दान, तत्पुरुष समास। सप्ताह, सप्ताह यानी कि यह सप्ताह, सात संख्या आ रहा है ना, द्विगु समास होगा। पुरुष सिंह, ये नहीं होगा, पुरुषों के लिए सिंह, यह भी तत्पुरुष समास, ठीक। चलिए, किस समास के दोनों शब्दों में समान अधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है? कर्मधारय समास क्यों पूछा गया यहाँ पर? तो देखिए ध्यान से, किस समास के दोनों शब्दों में पूछा गया समान अधिकारण पर कर्मधारय होता है? तो कर्मधारय समास होता है कौन सा होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि? कमेंट करके बताएं, किस समास के दोनों शब्द में समान अधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है? तो देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, हाँ कमेंट करके बताओ, जितने लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट करो।
चलिए मैं लास्ट में आप सभी को बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। जितने भी यहाँ हमारे चैनल पर हैं या जो भी पहली बार आए हैं, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रिवाइज क्लास है ना, टेस्ट सीरीज के रूप में चल रहा है। हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी का समास विग्रह, हिंदी का समास विग्रह से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 10 से 15 नंबर, ठीक है। हिंदी में पूछे जाते हैं, जिसमें समास से आपका 2 से 3 नंबर एग्ज़ाम में कभी भी पूछ लिया जाता है। क्या आएगा, कितने लोगों का आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए बी सी या डी। क्या पूछा गया, कर्म धारा समास होता है, पूछा गया समान अधिकरण करने पर दोनों शब्दों में। इसका आंसर आपका होगा बिल्कुल तत्पुरुष, क्योंकि देखिए तत्पुरुष का मतलब कर्म करता है ना, दोनों शब्दों में समान अधिकार होता है, तो तत्पुरुष समास है। किसमें सही समासिक पद है, तो देखिए इसमें कौन सा आ जाएगा, तत्पुरुष समास है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसका कल देखे थे क्लास ना। चलिए द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, द्विगु समास अभी बताया, द्विगु का मतलब होता है संख्यावाचन, तो कौन सा हो जाएगा, दिन रात, ये तो नहीं है, दिन रात कौन सा, दिन और रात, दिन रात कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, दिन रात दिनों दिन है ना, दिन रात, रात रात दिन रात, दिन रात कौन सा होगा, दिन और रात, ये द्वंद्व समास होगा, लेकिन ये वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है ना। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, याद रखना, द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, तो ये आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। उसी प्रकार द्विगु समास का पूछा गया है तो त्रिभुवन होगा, चतुरानन नहीं होगा, देखिए कन्फ्यूज हो जाओगे, फिर ये पूछा गया चतुरानन मतलब 4 आ रहा है सर कैसे करें, तो दिमाग नहीं लगाना आपको, चतुरानन पूछा है, चतुरानन मतलब भगवान, किसका, चार हाथों वाला आनंद अर्थात भगवान, ठीक है। त्रिभुवन क्या, देखिए अलग कैसे होता, द्विगु मतलब होता है संख्या, त्रि का मतलब क्या, त्रि का मतलब तीसरा, त्रि अलग हो गया, भुवन अलग हो गया, संधि विच्छेद करना आता है ना आपको, संधि विच्छेद, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, त्रिभुवन अलग बन रहा है कैसे, देखिए त्रि अलग बनेगा प्लस भुवन अलग बन रहा है ना, हाँ अलग बन रहा है ना त्रिभुवन। अच्छा चतुरानन कैसे बनेंगे, चतुरानन जिसका चतुर है, चार हाथों वाला आनंद चतुरानन, या फिर ये बहुव्रीही समास होगा, या फिर ये कर्मधारय समास होगा, एक होगा दोनों में से। यहाँ पर पूछा कि द्विगु समास, तो इसका आंसर त्रिभुवन होगा। चलिए इसका आप लोग बताएं कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा, द्वंद्व समास का मतलब मालूम है ना, जैसे उसमें क्या क्या जुड़ता है, और या मतलब हमेशा जुड़ेगा वैकल्पिक, और का मतलब होता है समान अधिकार, ठीक है। तो द्वंद्व समास, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर पीताम्बर, ये बिल्कुल नहीं होगा। नेत्रहीन नेत्र है जिसका ही नेत्रहीन। चौराहा चार राहों वाला समूह, चौराहा ये भी नहीं है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ये दे द्वंद्व समास, ये दे में आगे ना, ये दे है द्वंद्व समास, ठीक, रुपया पैसा हो ही एक आंसर। अविभाव, ये दे अव्यवी भाव समास का उदाहरण कौन सा, यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, क्या होता है शक्ति के अनुसार, ये आपका हो जाएगा अव्यवी भाव समास, ठीक है, देखिए शक्ति के अनुसार आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिए पाप पुण्य में कौन सा समास है, देखिए मज़ेदार सवाल पूछता है, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या आएगा या मतलब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास याद करने का ऐसा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जिनका समास बन गया समझो 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा, इसलिए कह रहे हैं रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो एग्ज़ाम देने से पहले। क्या जाता है आपका रिवाइज करने में, क्या जाएगा हैं, रिवाइज करने में क्या जाएगा भाई तेरा, तैयारी करो ना, वीडियो लंबा हो कुछ नहीं होगा, तैयारी करना है, ठीक है। पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास है, चलिए अब आ गया भाई यहाँ पर, आप लोग कमेंट करके बताओ लंबोदर कौन सा समास, लंबोदर लंबा है जिसका उदर अर्थात भगवान गणेश, भगवान गणेश। द्वंद्व समास तो होगा नहीं, द्विगु समास तो होगा नहीं, तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, बहुव्रीही समास होगा। देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम देश के लिए प्रेम, तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष। परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है, चलो बताओ, परमेश्वर में द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष अव्यवी, ये तो आएगा नहीं, अव्यवी छोड़ दो, परमेश्वर तत्पुरुष भी छोड़ दो, द्विगु तो होगा नहीं, कर्मधारा देखते हैं, कर्मधारा ही होगा। गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला गौ के लिए साला,
तत्पुरुष समास होगा मेरे हिसाब से, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। हाँ आप लोग बताओ कमेंट करके, रिवाइज कर रहे हो ना, टेस्ट ले रहे हो। हाँ एग्ज़ाम में आता है प्रश्न, गौशाला गौ के लिए साला, कौन सा आएगा तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है, मैं अभी नहीं बताने वाला, आप लोग कमेंट करके बताओ गौशाला में कौन सा समास है। चलिए ना, आप लोग हिंदी अच्छे से तैयारी करते हैं ना, आज मैं हिंदी क्लास ले रहा हूँ, पहली बार हिंदी क्लास ले रहा हूँ, है ना, वो भी समास से, हिंदी क्लास ले रहा हूँ समास से, ठीक है, फर्स्ट टाइम है मेरे हिंदी क्लास का। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताओ, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो ना, वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके एक बार बताओ तो। और ऐसी वीडियो चाहिए, और ऐसी वीडियो चाहिएगा, पार्ट टू वीडियो चाहिए आपको, हाँ पार्ट टू वीडियो, अगर पार्ट टू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो बिल्कुल। अगर सेकंड पार्ट चाहिए इसका कमेंट करके बताओ, सर हम इसका पार्ट टू वीडियो आप लेकर आओ, सर ऐसे ही हिंदी क्लास भी लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं अगर देखिए इस वीडियो पर आप लोगों को अच्छा खासा कमेंट वगैरह आता है, लाइक वगैरह आता है, परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छा लगता है, मुझे इंटरेस्टेड लगता है, अगर क्लास में पार्ट टू लेकर आऊँगा। हाँ आप लोग अगर इंटरेस्टेड लेते हो हमारे क्लास में, ज़रूर मैं पार्ट टू लेकर आऊँगा। पहले अगर आप लोग इसका कमेंट करके बताओ गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला गौ के लिए साला, तत्पुरुष ही होगा शायद, देखते हैं यहाँ पर तत्पुरुष ही होगा, है ना, मैं भी पहला क्लास ले रहा हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नवग्रह हमें कौन सा समास है, अब देखिए नवग्रह पूछ दिया तो नव आ रहा है सर, क्या करें, द्विगु समास हो सकता है क्या, द्विगु में टिक लगा दें क्या, एक बार सोच लो कमेंट करके बताओ, सभी के लिए ना। नवग्रह में कौन सा समास है, द नवग्रह द्विगु तो आएगा ही, 50% है सर, 50, अरे भाई 50% नौ ग्रह, नौ के लिए ग्रह कैसा आएगा फिर, कर्मधारा भी हो सकता है सर, तत्पुरुष नहीं होगा, वो तो नहीं होगा मालूम है, द्वंद्व भी नहीं होगा, द्विगु या कर्मधारा क्या है, कैसे करे सर फिर। तो आप लोग एक बात बताइएगा, नौ ग्रह का मतलब होता है संख्या, जो आपके ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, नौ ग्रह हैं, नौ है कि 11 है। द्विगु का मतलब होता है संख्यावाचक, नौ ग्रह, ठीक है, इस प्रकार संधि विच्छेद कीजिएगा, नौ ग्रह इसका आंसर आएगा, बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने आंसर दिया है द्विगु समास बिल्कुल सही है, ना इसमें नील है ना इसका कोई कर्मधारा है ना। चलिए विद्यार्थी में कौन सा समास था, विद्यार्थी में तत्पुरुष समास था, उसको छोड़ दो। कन्यादान में कौन सा समास है आप बताओ, कन्यादान में कौन सा समास है, हाँ बताओ, बहुव्रीही तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय, देख कन्यादान कन्या के लिए दान या कन्या का दान, तत्पुरुष मेरे हिसाब से तत्पुरुष आएगा, तत्पुरुष मैं लगा रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर बताओ क्या आएगा। कन्यादान कन्या है, कन्या का दान कन्या करने के लिए दान थोड़ी ना होगा ना भाई, कन्या का दान क्या आएगा, कर्मधारा है, कहाँ से कर्मधारा बनेगा, मैं तत्पुरुष लगा हूँ, आप लोग क्या लगा रहे हो कमेंट बताओ, बहुव्रीहि तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय, आप लोग बताओ फटाफट, आप लोग नहीं बताओगे कमेंट नहीं करो तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। हाँ आप लोग बताओ, रिवाइज चल रहा है तो फिर क्या काम का, फिर टेस्ट दे रहे हो क्या काम का, फिर टेस्ट लगा रहे फिर क्या काम का। कन्यादान में कन्या का दान, चलिए देखते हैं क्या होता है, तत्पुरुष समास बिरुज। साग भात में कौन सा समास है, चलिए बताइए साग पात में कौन सा समास है, साग और पात द्वंद्व आएगा ना, मेरे हिसाब से मैं डी लगा रहा हूँ, द्वंद्व समास, आप लोग कौन सा समास लगाते हो आप लोग जानो फिर, है ना, आप लोग एग्ज़ाम दिलाओगे, मैं थोड़ी ना एग्ज़ाम दिलाऊँगा, है आप लोग को एग्ज़ाम दिलाना है, रिवाइज करना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम पढ़ाने का काम है, मैं तो द्वंद्व लगा दिया हूँ, आप लोग बताइए हम द्वंद्व करेंगे फिर, साग पात में क्या करेंगे, द्वंद्व करेंगे, साग और पात, साग या पात, है ना, वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा शायद मेरे हिसाब से, तो द्वंद्व हम डाल देते हैं, आप लोग बताओ क्या आएगा। नीलकमल में कौन सा समास है, देखिए सबसे ज़्यादा उदाहरण मैं इसी का देता हूँ, नीलकमल में, ये व्यापम में एग्जाम में हर बार एग्जाम में बार बार पूछता है ना, इसीलिए नीलकमल, नील है जिसका कमल, कर्मधारा है, डायरेक्ट
किसके लिए? नील। नील क्या है? विशेषण है। नील विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है। ठीक है, आएगा ये कर्मधारा। चतुर्भुज में कौन सा समास? अब यहाँ फंसोगे तुम लोग, यहाँ फंसोगे। चतुर्भुज में कौन सा समास है? सर ये तो द्विगु लग रहा है। अरे द्विगु लग रहा है तो द्विगु तो दिया है क्या ऑप्शन में? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष और कर्मधारा समास। डायरेक्ट आप लोग देखिए कितना सरल सवाल पूछता है, देखिए कैसे पूछ रहा है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज यहाँ पर चतुर मतलब चार दिया है समझो। द्विगु समास छह संख्या लग रहा है द्विगु। अरे भाई ऑप्शन में दिया ही नहीं है द्विगु समास, क्या दिया है? द्वंद्व समास दिया है यहाँ पर। बेवकूफ ऐसे लोग हैं द्वंद्व को द्विगु समास समझ के डाल देते हैं। चतुर्भुज में क्या पूछा गया? कौन सा समास है? चतुर्भुज यानी कि चारों भुजाओं का योग, चतुर्भुज। चार भुजाओं वाला कौन सा? बहुव्रीहि आएगा मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं, कर्मधारित होगा नहीं, मैं बहुव्रीहि लगाया हूँ, आप लोग लगाइए कौन सा लगाओगे। सर कैसे होगा बहुव्रीहि? भाई कैसे होगा ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैं तो अपने हिसाब से लगाया हूँ बहुव्रीहि, तुम लोग बताओ क्या होगा। बिल्कुल तुम लोग ही बताओ क्या होगा। चलिए मेरे हिसाब से तो देखिए चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो मैं बहुव्रीहि लगाया हूँ, आप लोग क्या है बताओ। भाई बहन में कौन सा समास है? चलिए 35 क्वेश्चन देखेंगे ना। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई और बहन द्विगु नहीं आएगा, द्वंद्व आएगा बे। वनवास, वन में कौन सा समास है? चलिए इसका बताइए, इतना सरल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा अब। वनवास, वन में वास में क्या बताया था? कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में। वन में कहाँ है? कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में। तत्पुरुष समास मेरे हिसाब से, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आएगा। हैं आप लोग कमेंट करो क्या आएगा। मैं तत्पुरुष समास लगाया हूँ, आप लोग बताओ। द्वंद्व बहुव्रीहि कर्मधारा तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष। बिल्कुल गुड, जितने लोगों का तत्पुरुष आया है बिल्कुल सही है। वन मास मतलब वन में वास। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर पीला जिसका अंबर, पीताम्बर। बहुव्रीहि समास या कर्मधारा समास दोनों में से एक होगा, द्विगुत होगा नहीं, द्वंद्व नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं पहला या फिर चौथा, आप लोग कमेंट करके बताओ कितने लोगों का ऑप्शन आता है। चलिए देखते हैं पीताम्बर में कौन सा समास है, कमेंट करो आप। मैं नहीं बताने वाला अभी पीताम्बर में कौन सा, मुझे भी कन्फ्यूजन है, आप लोग बताओ, आप लोग के हिसाब से मैं चलूँगा। अब पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर पीला है जिसका अंबर में, आपको संधि विच्छेद कर दिया ना, समास विग्रह कर दिया मैं आपका। पीलाम्बर पीताम्बर ना, पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर बहुव्रीहि या फिर कर्मधारा है। क्या बोल पीताम्बर? पीताम्बर का मतलब पीला है जिसका अंबर, किसके लिए? विशेषण और विशेष्य मतलब कर्मधारा है। क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर 70% लोगों का आंसर ए आया है और यहाँ पर 45% लोगों का आंसर डी आया है। तो चलिए हम किस में चलें, किस में चलें? तो 70% वाले के पास चलते हैं बहुव्रीहि, क्योंकि कर्मधारा होगा नहीं है ना। पीताम्बर का मतलब पीला है जिसका अंबर, अंबर मतलब आकाश, यह आ जाएगा पीताम्बर। अलग अलग समास अलग हो रहा है, बहुव्रीहि आएगा आंसर ए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी छोड़ दो। आज जन्म के लिए बताओ इसका, आप लोग इसका छोड़ दिया मैं, तत्पुरुष ही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आज जन्म शब्द का उदाहरण क्या होगा? आज जन्म शब्द का उदाहरण क्या होगा, कमेंट करके बताओ। आज जन्म शब्द का उदाहरण होगा अव्यवी भाव, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन और पूछ लूँ। गगनचुंबी में कौन सा समास है? हाँ अब इसको क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगर आप लोग चाहो तो पार्ट टू वीडियो लेकर आऊँगा, उसी में यहाँ से क्लास स्टार्ट करूँगा 39 क्वेश्चन से, ठीक है। तो गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्यवी, तत्पुरुष, कर्मधारय। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, पार्ट टू वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। अगर आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में अच्छा से कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए आज